अस्सलाम वालेकुम डियर दोस्त दोस्त आई एम इरफान शिवा फ्रॉम नूरुल्लाह पब्लिक स्कूल जूसपरायण। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर टॉपिक लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ फॉर क्लास सिक्स। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ क्या है। पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब हम कहीं पर जाते हैं या अगर हमें कहीं पर कोई डाकखाना आए, फॉर एग्जाम्पल कोई चिट्ठी आए, तो हमें किस चीज़ पे वो चिट्ठी हमारे एड्रेस तक पहुंचती है, वो होता है हमारा हाउस नंबर। तो जो हाउस नंबर जो है वो हमारा लोकेटिंग, एक अगर कहें तो लोकेटिंग प्लेस भी बनती है, लोकेटिंग नंबर बनता है हमारा। तो उस नंबर से जो हमारी चिट्ठी है वो हम तक पहुंच जाती है। तो जो अर्थ के बारे में अब हम बात करेंगे, अर्थ में जो सबसे पहले है टू पोल्स जो हमें ध्यान में रखना है। पहले टू पोल्स जो हमारे हैं, एक तो है हमारा नॉर्थ पोल, दूसरा हमारा है साउथ पोल। ये हमारे दो पोल्स हैं। ऊपर साइड नॉर्थ पोल होता है और नीचे वाला साइड जो है ये साउथ पोल। तो जो इसका यहाँ पे जो बीच में एक लाइन यहाँ पे लिखी रही खींच दिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर तो इक्वेटर क्या होता है, ये ग्लोब को, यानी कि जो हमारी जमीन है, हमारी जमीन, पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए हमारी जमीन जो है ये पूरा सर्कल नहीं है, ये स्फेरिक है। तो इसमें जो इक्वेटर है, ये जो लाइन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जिस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये है इक्वेटर। ये इमेजिनरी लाइन है। ये इमेजिनरी लाइन कैसे हम खींचते हैं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। देखिए, हमने यहाँ पे ग्लोब लिया है, ठीक है, तो हमें कहीं पे भी हम रखेंगे पेन और इसको स्लोली वेस्ट से ईस्ट तक ले जाएंगे। तो यहां पे जो ये लाइन यहां पे मैंने खींची है, आप गौर से देखिए, ये इक्वेटर है, ठीक है ना, जिसको मैं अभी बता रहा था, ये इक्वेटर है। क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगी जमीन में, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को सीखने के लिए, समझने के लिए हमें कुछ इमेजिनरी चीज बनाने पड़ते हैं। तो इसी तरह हमने ग्लोब को इक्वेटर दिया, जिससे हम इमेजिनरी लाइन या हम इसके ग्लोब क्या ऊपर और नीचे या अर्थ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा रहता है इसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे बीच में लाइन्स खींचते हैं, यहाँ पे देखिए आप, पहले ये होता है हमारा इक्वेटर, और जो ऐसे ये लकीर हमने खींची है इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है, और जो ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं इनको हम बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। एक ग्लोब जो है, हमारी जमीन जो है ये 360 डिग्री यहाँ पे होती है। तो इसके बाद हम आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, क्योंकि लैटिट्यूड्स मैंने बताया, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, या जो इस तरह से लिखे हुए होते हैं ये लैटिट्यूड्स होते हैं। अब हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, क्योंकि लैटिट्यूड्स यहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे बात करें यहां से यहां तक हमें 90 डिग्री जाना पड़ता है। तो लैटिट्यूड्स में हम ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो है इक्वेटर जिसका वैल्यू 0 डिग्री होता है, दूसरा होता है यहाँ पे नॉर्थ की ओर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कहाँ पे लाई करता है, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पे लाई करता है। इसके बाद जो यहाँ पे हमारा एंटार्कटिक सर्कल है, ये 63 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। इसी तरह से यहाँ पे हमारा है, सॉरी, 66 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पे ये हमारा पड़ता है एंटार्कटिक सर्कल। तो यहाँ पे क्या पड़ता है, 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ जो है यहाँ पे पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और जो यहाँ पे 66 डिग्री
तो उसके बाद जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बाद जो यहाँ पे हमारा आता है 66 डिग्री 30 मिनट साउथ पे जो आता है वो आता है ट्रॉपिक ऑफ एंटार्क्टिक सर्कल। तो 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे आता है आर्टिक एंड 66 डिग्री 30 मिनट पे हमारा आता है एंटार्क्टिक। तो यहाँ पे अब हीट जोन की हम बात करें, चूंकि जमीन को तो हमने देखा है, चूंकि ये लैटिट्यूड अब हमने देखे हैं कौन कौन से लैटिट्यूड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब हीट जोन की बात हम करें, अगर हम देखेंगे इक्वेटर फ्रॉम यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये ऐसा यहाँ पे जोन बनता है यहाँ पे जिसका हम बोलते हैं ट्रॉपिक जोन, टॉरिड जोन। तो यहाँ पे एक टॉरिड जोन बनता है। तो इसके बाद जो हमारा बनता है नेक्स्ट, जो कि आते हैं तीन आते हैं, एक तो आता है हमारा टॉरिड जोन, दूसरा आता है हमारा टेम्परेट जोन, एंड थर्ड वन इज फ्रिजिड जोन। तो पहला जो है टॉरिड जोन, टॉरिड जोन को समझने के लिए यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक आप लोगों का यहां पे आता है टॉरिड जोन। तो इसके बाद आता है, क्योंकि ये ज्यादा गर्म होता है, इसके बाद हमारा आता है 66 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ से, मतलब ये एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके 66 डिग्री 30 मिनट जो आर्कटिक सर्कल है, यहां से यहां तक जो हमारा आता है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। इसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से एंटार्कटिक सर्कल 66 डिग्री 30 मिनट साउथ पे, ये आता है हमारा टेम्परेट जोन। क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ये मॉडरेट ही होता है। एंड इसके बाद जो हमारा यहाँ पे आता है लास्ट पे फ्रिजिड जोन, जो कि पोल है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये हमारा यहाँ पे आता है फ्रिजिड जोन। यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंड होती है, तो सबसे ज्यादा ठंड यहाँ पे होती है, इसके बाद मॉडरेट टेम्परेचर, इसके बाद ठीक ठाक टेम्परेचर जो आपको गर्मी से ज्यादा यहाँ पे मिलेगी। तो होप आप लोगों को इस समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं फर्दर डिस्कस करूंगा इस टॉपिक पे। तो आप देखते रहिए हमारी चैनल, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।